हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों आज इस वीडियो में आपको बताने जा रहा हूँ दोस्तों, आप अपने मोबाइल के इंटरनेट कनेक्शन से कैसे अपने सीपीयू चला सकते हो। जी हाँ दोस्तों, आप तो जानते हो कि हॉटस्पॉट के द्वारा आप लैपटॉप वगैरह आप कनेक्ट कर सकते हो इंटरनेट, लेकिन दोस्तों आप अपने मोबाइल के कनेक्शन से आप कैसे अपने सीपीयू को कैसे कनेक्ट कर सकते हो और सीपीयू में कैसे नेट चल सकता है। तो चलिए मैं इस वीडियो में आपको बताने जा रहा हूँ कि अपने मोबाइल इंटरनेट कनेक्शन से आप अपने सीपीयू में इंटरनेट कैसे चला सकते हो। चलिए तो इस वीडियो में आपको बताने जा रहा हूँ। तो अभी दोस्तों हम सीपीयू में अपना डाटा केबल अटैच कर दिए है। डाटा केबल अटैच करने के बाद दोस्तों मोबाइल में हम कनेक्शन डाल दिए हैं। मोबाइल में कनेक्शन डालने के बाद दोस्तों आपके सामने एक नेटवर्क एंड इंटरनेट का ऑप्शन दिखेगा। नेटवर्क एंड इंटरनेट पर कनेक्शन पर क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करोगे तो आपको हॉटस्पॉट का एक ऑप्शन दिखेगा। हॉटस्पॉट पर क्लिक करने के बाद दोस्तों आपको यूएसबी टेथरिंग का एक ऑप्शन दिखेगा, उसको आपको ऑन कर लेना है। जैसे ही आप ऑन करोगे तो आपके सीपीयू में एक नोटिफिकेशन आएगा दोस्तों एलो करने का, आप उसको एलो कर देना है। एलो जैसे ही करोगे आप तो आपके सीपीयू में इंटरनेट कनेक्शन स्टार्ट हो जाएगा और मोबाइल से कनेक्शन जुड़ जाएगा और आप इंटरनेट चला सकोगे। जी हाँ दोस्तों, तो इस वीडियो में हमने बताया कि आप कैसे आप अपने मोबाइल इंटरनेट कनेक्शन से अपने सीपीयू में इंटरनेट चला सकते हो। जी हाँ दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब एंड फॉलो करना। देखिए दोस्तों यहाँ पर नेट चलने लगा है, तो आप जैसे आपको वीडियो पसंद आए दोस्तों तो लाइक सब्सक्राइब एंड फॉलो जरूर करना। थैंक यू, मिलते हैं आपको नेक्स्ट।